वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन में श्रमिकों की भूमिका, मजदूरों की भूमिका क्या थी, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थात स्वदेशी आंदोलन में जो मजदूर आंदोलन चल रहा है उस वक्त अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रांतों में उसका अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। बच्चों, ये समय काल आपको मालूम है 1905 से 1906 ईस्वी का है और बंग भंग विरोधी आंदोलन इस वक्त चल रहा था। और इस वक्त 20वीं सदी के प्रारंभ में जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो धीरे धीरे श्रमिकों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। ठीक है, मैंने बताया था इससे पहले कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो श्रमिकों के मुद्दों को लेकर उतना सचेत नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे ध्यान देना शुरू किया जा रहा है। बच्चों, इस वक्त बिपिन चंद्रपाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर जैसे श्रमिक नेता हैं जो श्रमिकों के हित की बात लगातार करते आ रहे हैं। समझ गए बच्चों, आखिर क्या कारण था इस वक्त स्वदेशी आंदोलन में कि श्रमिक या मजदूर आंदोलन उभरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसमें इस वक्त जो है राजनैतिक उत्तेजना जो बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के कारण हो रही है, राजनैतिक उत्तेजना एक महत्वपूर्ण कारण है। कल कारखानों में जो यूरोपीय मालिक हैं उनकी जो नीतियां हैं मजदूरों के प्रति शोषणकारी हैं और मजदूरों का जो हित है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और इस वक्त बच्चों आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई है, तो इन सब कारणों से श्रमिक आंदोलन गतिशील बन गया है। समझ गए बच्चों, जो इस युग के चार उल्लेखनीय श्रमिक नेता हैं उनमें स्क्रीन पर देखिए अश्विनी कुमार बंदोपाध्याय, प्रताप कुसुम रॉय चौधरी, अपूर्वा कुमार घोष और प्रेमतोष बसु। ठीक है, इनमें से अधिकतर बैरिस्टर थे जो श्रमिक आंदोलन को देख रहे थे, उनका अवलोकन कर रहे थे और श्रमिकों के हित की बात लगातार उठा रहे थे। समझ गए बच्चों, इस वक्त सरकारी छापाखाना, रेल, ट्राम, कलकत्ता कॉरपोरेशन, चटकल, सभी जगहों पर आंदोलन शुरू हो गया है और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी इनके साथ खड़ा रहा है। अर्थात जो छापाखाना, रेल, ट्राम, कलकत्ता कॉरपोरेशन के मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उन लोगों ने भी स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत आंदोलन शुरू कर दिया है और उनको समर्थन मिल रहा है कांग्रेस के नेतृत्व से। समझ गए बच्चों, इस वक्त जो श्रमिक आंदोलन चल रहा है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इनका आंदोलन सिर्फ आर्थिक मांग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इनके अंदर राजनैतिक आकांक्षा भी पैदा हो गई है। समझ में आई बात, जो श्रमिक हैं वो सिर्फ अपने आर्थिक मांगों को लेकर ही आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर एक राजनैतिक आकांक्षा, आशा भी जुड़ गई है। ठीक है, श्रमिक आंदोलनों का राजनीतिक आंदोलनों के साथ घनिष्ठ संपर्क हो गया है। समझ गए बच्चों, 1905 ईस्वी में हावड़ा के बर्न आयरन वर्क्स का हड़ताल स्वदेशी युग का प्रथम श्रमिक हड़ताल माना जाता है। समझ गए, ये 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 सितंबर में। और कलकत्ता ट्राम श्रमिक तथा कॉरपोरेशन के 2000 कुली तथा झाड़ूदार हड़ताल में शामिल हो गए थे। और बच्चों, हम छठे पॉइंट पे देख रहे हैं 1905 में प्रिंटर्स तथा कंपोजिटर्स लीग। समझ गए, देखिए दो नेता थे, ब्रह्म बांधव उपाध्याय और श्याम सुंदर चक्रवर्ती। ये लोग कलकत्ता स्थित भारत सरकार के छापेखाने में कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। तो
इस हड़ताल का समर्थन इन लोगों ने किया था। किसने किया था? ब्रह्म बांधव उपाध्याय तथा श्याम सुंदर चक्रवर्ती। और इन दोनों नेताओं ने 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रिंटर्स तथा कंपोजिटर्स लीग की स्थापना की थी। और अनेक लोग ये मानते हैं यह बंगाल का प्रथम ट्रेड यूनियन था। ठीक है, यह बंगाल का प्रथम ट्रेड यूनियन था। समझ गए बच्चों? जिस दिन 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग लागू हुआ, इस दिन सारे बंगाल के श्रमिकों ने हड़ताल किया और एक दूसरे के हाथ में राखी बांधी। आपको पता है राखी दिवस, राखी उत्सव मनाया गया था और जो श्रमिक थे, मजदूर थे, एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधकर एकता का परिचय दिए थे। समझ गए बच्चों? इसी दौरान 1906 ईस्वी में ईस्ट इंडिया रेलवे के श्रमिकों ने हड़ताल किया और उन्होंने रेलवे मेंस यूनियन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? रेलवे मेंस यूनियन। स्क्रीन पे देखिए आप, समझ गए? तो इस तरह से श्रमिक संगठन लगातार बनते जा रहे हैं। समझ गए? चित्रंजन दास, विपिन चंद्रपाल, लियाकत हुसैन जैसे प्रमुख नेता थे जो हड़तालियों का समर्थन किए थे। समझ गए बच्चों? अब इसी समय जूट मिल के जो श्रमिक हैं, जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, वो पीछे नहीं है। वो भी जो है इस दौरान बार बार हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। समझ गए? जो अश्विनी कुमार बंदोपाध्याय थे, इनके नेतृत्व में चटकल श्रमिकों को लेकर बजबज में इंडियन मिल हैंड्स यूनियन की स्थापना की थी। समझ गए? तो बच्चों, इंडियन मिल हैंड्स यूनियन की स्थापना अगर पूछा जाएगा किसके नेतृत्व में हुआ था, तो अश्विनी कुमार बंदोपाध्याय के नेतृत्व में चटकल श्रमिकों को लेकर हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से जो श्रमिक संगठन बन रहे हैं वो श्रमिकों के हित के लिए बन रहे हैं, श्रमिकों की आवाज उठाने के लिए बन रहे हैं और साथ ही साथ ये श्रमिक आंदोलन स्वदेशी आंदोलन को दिशा प्रदान कर रहे हैं। बच्चों, लास्ट पॉइंट में भारत लिखा हूं। देखिए, भारत लिखने का मतलब था कि यह आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, पंजाब, बंबई, अहमदाबाद, कानपुर, गुजरात इत्यादि जगहों पर शुरू हो गया है। समझ गए? तमिलनाडु के तूतीकोरिन में ब्रिटिश कंपनी में मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़ताल हुआ था। चिदंबरम पिल्लई के गिरफ्तार होने पर मद्रास के श्रमिकों ने हड़ताल शुरू कर दिया था। और बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण 1908 ईस्वी में जब बाल गंगाधर तिलक को कारावास की सजा हुई थी, उसके विरोध में वस्त्र उद्योग के मजदूर 6 दिन तक हड़ताल किए थे। समझ गए? जब तिलक को सजा हुई थी, उसके विरोध में कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग के जो मजदूर थे, 6 दिन तक वो हड़ताल किए थे। तो इस तरह से अनेक स्थानों पर मजदूरों के साथ पुलिस का संघर्ष भी हुआ और इसमें छोटे व्यवसायियों ने भी हड़ताल किया। समझ गए बच्चों? ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान मजदूर आंदोलन का अध्ययन हम लोगों ने किया। और ये चीज आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय आंदोलन तथा मजदूर आंदोलन में इस दौरान संपर्क स्थापित हुआ, सामंजस्य स्थापित हुआ, किंतु यह संपर्क अस्थायी नहीं रह पाया। तो आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा और जो पॉइंट्स लिखे गए हैं और उनके साथ साथ जो उनको एक्सप्लेन किया गया है, मैं जो बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ आपको, उसको भी आप नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिएगा।